हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस अर्थ पर लगभग अभी तक हम लोग 5 लाख प्रकार के पौधे के बारे में जानते हैं, और ये सारे पौधे जो हैं सब बहुत मतलब एक दूसरे से बहुत सारे गुणों में एक दूसरे से अलग होते हैं। इन सभी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वह एक दूसरे से बहुत सारा इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इसलिए इनका क्लासिफिकेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वह मेनली जो है दो सिस्टम के आधार पर करते हैं। एक सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम और दूसरा है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम तो हम लोग इस दो सिस्टम के आधार पर इसका क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। एक हो गया आर्टिफिशियल और दूसरा हो गया नेचुरल। तो सबसे पहले हम लोग आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो इस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन किया था सबसे पहले उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस इस क्लासिफिकेशन को दिया था किसने? थियोफ्रेस्टस ने। तो इसमें क्या बेस माना गया था? तो इस सिस्टम में थियोफ्रेस्टस साहब ने जो प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कि उसकी जो बाहरी बनावट है, बाहरी संरचना है, उसके आधार पर, यानी पौधा छोटा है, मीडियम साइज का है या बड़े आकार का है, तो इन सब चीजों को देखकर, उसके बाद इसका हैबिटेट, यानी कि किस जगह पर यह पाया जाता है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर उन्होंने सारे प्लांट को जो है सो कुछ ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। तो प्लांट किंगडम को थियोफ्रेस्टस साहब ने मेनली चार ग्रुप में बांटा था। प्लांट किंगडम जो सबसे पहला ग्रुप था वह था ट्रीज, उसके बाद शर्ब्स, उसके बाद सब शर्ब्स और हर्ब्स। तो ये चार ग्रुप थे जिसको जो है सो थियोफ्रेस्टस साहब ने पूरे प्लांट किंगडम को इस चार ग्रुप में उन्होंने क्लासिफाई किया था। एक हो गया ट्रीज, दूसरा हो गया शर्ब्स, तीसरा हो गया सब शर्ब्स और चौथा हो गया हर्ब्स। तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रीज आर ट्रीज आर ये जो प्लांट होता है ये बहुत ही लंबे प्लांट होते हैं। तो ट्रीज आर टॉल प्लांट विथ ब्रांचेज एंड ट्रंक। इसमें आपको बहुत सारे ब्रांचेज देखने को मिलेंगे, ब्रांचेस एंड ट्रंक। तो ऐसे प्लांट को जिसमें बहुत सारे ब्रांचेस और ट्रंक हो, तो वैसे प्लांट को हम लोग जो है सो ट्री बोलेंगे। अगर इसका एग्जांपल हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंगो ट्री नीम ट्री, बनियान, पीपल, इटीसी। तो इस तरह के पेड़ जो पूरी तरह से डेवलप होते हैं, जिसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ट्रंक होता है ना, तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्री बोलेंगे। तो थियोफ्रेस्टस साहब ने जो अपना आर्टिफिशियल सिस्टम
में जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था उसमें उन्होंने एक ग्रुप जो है सो ट्रीज का सिलेक्ट किया था। तो जो दूसरा ग्रुप है वह है शर्ब्स। तो शर्ब्स के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जो बहुत ही झाड़ीदार होता है और ये मीडियम साइज का होता है। तो ऐसे प्लांट को जो है सो उन्होंने शर्ब्स कहा। तो दे आर बुशी एंड मीडियम साइज, मीडियम साइज प्लांट। तो ऐसे पौधे काफी झाड़ीदार होते हैं और बहुत ज्यादा लंबे तक जो है सो ये ग्रो लंबाई तक ग्रो नहीं करते हैं। अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो रोज, मैरीगोल्ड, तो ऐसे प्लांट जो बहुत ही छोटे होते हैं और बुशी होता है और जिसका जो स्टेम होता है वह बहुत ज्यादा उडी होता है, तो यानी कि बहुत सॉफ्ट नहीं होता है। तो ये उडी होता है एक्सेप्ट फॉर द टिप्स ऑफ द ब्रांच, यानी कि इसका जो टिप ऑफ द ब्रांच का जो टिप होता है वह थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन बाकी पार्ट जो होता है ये उडी होता है यानी कि हार्ड होता है। ऐसे प्लांट को हम लोग सब सर्स बोलते हैं और इसका एग्जांपल हो गया लेवेंडर, हेदर इटीसी। तो हर्ब्स जो होता है, हर्ब्स जो प्लांट होते हैं ये जो है सो बहुत ही छोटे पौधे होते हैं, स्मॉल प्लांट, जो बहुत ही छोटा पौधा होता है और इसका जो स्टेम होता है वह बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कमजोर होता है। तो विच हैव सॉफ्ट स्टेम, जिसका स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होता है, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल बीट, पैडी, ये सब जो प्लांट हो गए, ये सारे जो है सो उसके अलावा जितने भी ग्रासेज होते हैं, कैबेज हो गया, ये सारे जो है सो इसके एग्जांपल हैं इटीसी। तो ऐसे प्लांट को हर्ब्स कहा गया। तो क्लासिफिकेशन का जो दूसरा सिस्टम था वह है नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम में जो नेचुरल सिस्टम इस्तेमाल किया गया, इसमें जो है जितने भी टैक्सोनॉमिक के कैरेक्टरिस्टिक थे, जो टैक्सोनॉमिक लक्षण था, उन सारे लक्षणों को ध्यान में रखा गया और उस लक्षणों को ध्यान में रखकर ये जो है सो क्लासिफिकेशन किया गया। तो इस सिस्टम में भी बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन किया, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है वह है जॉर्ज बेंथम का। सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन जो दिया गया उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉर्ज बेंथम। इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया वह जो क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम का, उसमें सारे टैक्सोनॉमिक लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल कर और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको क्लासिफाई किया। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्लांट किंगडम है, तो जॉर्ज बेंथम साहब ने जो नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया था जिसमें सारे टैक्सोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने शामिल किया था, तो उसके आधार पर उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। एक क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस ये जो क्लासिफिकेशन जो दो पार्ट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर, यानी कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल नहीं लगता है और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल लगता है। तो क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत वैसे पौधे को रखा गया जिसमें फूल नहीं लगते हैं, तो जिसको हिंदी में हम लोग अपुष्पी पादप बोलते हैं। तो क्रिप्टोगेमस यानी कि जिसमें फ्लावर नहीं लगता है वह क्रिप्टोगेमस कहलाता है,
और दूसरा जिसमें फ्लावर लगता है उसको उन्होंने फेनरोगेमस बोला। तो फेनरोगेमस का मतलब होता है पुष्पी पादप, यानी वैसे पौधे जिसमें फूल लगते हैं। तो ये दो ग्रुप में मेनली क्लासिफाई हो गया, क्रिप्टोगेमस और फेनरोगेमस। अब क्रिप्टोगेमस में क्या है, इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया जिसमें फूल नहीं लगते हैं। एक हो गया थैलोफाइटा, दूसरा हो गया ब्रायोफाइटा और तीसरा हो गया टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों ग्रुप जो है वैसे प्लांट के हैं जिसमें फ्लावर नहीं लगते हैं। उसके बाद फेनरोगेम्स, जिसमें फ्लावर लगते हैं जिसको पुष्पी पादप कहा गया। तो इसको भी फिर आगे चलकर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक हो गया जिम्नोस्पर्म्स और दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स यानी कि जिसमें सीड्स तो लगते हैं लेकिन वह सीड्स जो होता है वह नेकेड होता है, यानी कि ओपन रहता है, बिना कवर्ड रहता है, यानी कि बीज के ऊपर किसी तरह का कोई कवर नहीं होता है। जिम्नो का मतलब होता है ओपन। तो वैसे पौधे जिसमें बीज जो लगते हैं, जो कि वह बीज होता है वह ओपन रहता है, तो उसको जिम्नोस्पर्म्स का ग्रुप कहा गया। और जो दूसरा ग्रुप उन्होंने बनाया एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, यानी जिसमें स्पर्म्स यानी कि जो सीड्स है वह पूरी तरह से कवर्ड होगा, यानी कि कवर के अंदर होगा, ढका हुआ होगा, ऐसे पौधे को एंजियोस्पर्म्स कहा गया। और फिर जो एंजियोस्पर्म्स है जिसके सीड जो है सब कवर्ड होते हैं, उसको भी फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एक मोनोपॉड्स और दूसरा डाइपॉड्स। तो मोनोपॉड्स प्लांट्स जो है सो ये उस ग्रुप के लिए हो गया जिसमें सिंगल बीज होता है, एक ही बीज रहता है, यानी कि उसके बीज को हम लोग जो सीड लीफ होता है, बीज पत्र होता है, वह एक ही होता है, उसको मोनोपॉड्स कहा जाता है। और जो डाइपॉड्स हो गया जिसमें क्या होगा कि बीज पत्र जो होगा सीड लीफ, वह जो कोटाइलिडॉन्स होता है वह दो होगा, तो उसको जो है सो डाइपॉड्स कहा गया। थैलोफाइटा, तो जो थैलोफाइटा होता है इसका जो प्लांट बॉडी होता है वह थैलस होता है। तो प्लांट बॉडी कैसा होगा, प्लांट बॉडी इसका हो गया थैलस, थैलस। तो थैलस का मतलब ये होता है कि जिसको जिसके प्लांट बॉडी को में ना रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं होता है। तो इसको हम लोग रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंटिएट नहीं कर सकते, वैसे प्लांट को हम लोग थैलोफाइटा ग्रुप में रखते हैं। तो प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंटिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। तो ऐसे पौधे जिसमें रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं होता है, तो उसको हम लोग थैलोफाइटा में रखते हैं। थैलोफाइटा में फिर आगे जो है सो ये चार ग्रुप में बढ़ जाता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई और लाइकेंस। तो ये हो गया थैलोफाइटा। दूसरा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में जो प्लांट बॉडी होगा उसमें रूट, स्टीम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यानी कि प्लांट प्लांट बॉडी में बॉडी विद रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो वैस्कुलर सिस्टम होता है, यानी कि इसमें आपको प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम, लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो देखने को मिलेंगे, बट उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है बट पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। इसमें जो रूट होता है तो रूट के जगह पर बहुत ही धागे के जैसे पतला पतला रहता है, जिसको हम लोग राइजोइड्स बोलते हैं, है ना। तो ब्रायोफाइटा में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है सो अब बन रहा है ना।
और लेकिन इसमें आपको वैस्कुलर टिश्यू जो होता है वह एब्सेंट होता है, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं तो वैस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाया जाता है। तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, ये नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइटा। तीसरा हो गया पेरिडोफाइटा। तो इसमें क्या होगा कि प्लांट बॉडी जो होगा, प्लांट बॉडी विथ रूट स्टेम एंड लीफ, इसमें पेरिडोफाइटा के अंतर्गत के ग्रुप में जो पौधे आते हैं उसमें रूट स्टेम और लीफ वह पूरी तरह से विकसित रहता है, पूरी तरह से डेवलप रहता है। इसमें वैस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वह भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप, इसमें आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्या होगा कि प्लांट विथ नेक सीड्स, वैसे पौधे जिसमें क्या होगा कि जो बीज होगा वह पूरी तरह से नेकेड होगा, यानी कि खुला हुआ रहेगा, उसके ऊपर कवर नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है पाइनस, साइकस, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल है। पाइनस, साइकस, और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म्स, ये फेब्रोगेम्स के अंतर्गत आते हैं। एंजियो स्पर्म्स, तो इसमें जो प्लांट होंगे वह प्लांट विथ कवर्ड सीड्स, जिसके जिसमें प्लांट का जो सीड होगा वह पूरी तरह से कवर्ड होगा, है ना, वैसे प्लांट को एंजियोस्पर्म्स ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। इसका एग्जांपल हो जाएगा मैंगो, मैंगो हो गया, उसके बाद राइस हो गया, इटीसी। मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में क्या होगा, प्लांट्स विथ सिंगल पोटाई लीडॉन्स, यानी कि जिसमें क्या होगा कि एक ही बीज पत्र होंगे, एक ही पोटाई लीडॉन्स होगा, उसको हम लोग मोनोकॉट्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा राइस, वीट, इटीसी। और दूसरा हो गया नेक्स्ट डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स जो प्लांट होंगे उसमें प्लांट्स विथ टू सीडलीफ, सी टू कोटाइलीडॉन्स, टू कोटाइलीडॉन्स, जिसमें दो कोटाइलीडॉन्स होंगे, दो बीज पत्र होगा, वैसे प्लांट को हम लोग डाइकोट्स बोलेंगे। एग्जांपल इसका हो जाएगा जितने भी लिग्मिनियस प्लांट होते हैं, जैसे कि चना हो गया, मटर हो गया, किडनी बीन हो गया, जिसको हम लोग राजमा बोलते हैं,